नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्जी। सो अभी आज 30 जनवरी है, 1:01 हुआ है, अभी 02 हो गया अभी। सो ये दीदी है क्योंकि मैं सुबह कल जल्दी सो गई थी। सोने के बाद मैं सुबह जब उठी, उठने के बाद दीदी थोड़ा वो देना क्या साइड दे, अच्छा मेरे को धूप चाहिए। ये क्या हुआ, सुबह 7 बजे इतना सर दर्द और नाक इतना पेन। सुबह मैंने सोचा मैं सुबह उठ के थोड़ा सा मैं अनुलोम विलोम ये सब मैं करूँगी, क्योंकि मैं कल जल्दी सो गई थी। इतना पेन, अभी भी मेरा नाक पेन कर रहा है, ड्यू टू साइनस है इसलिए, और बहुत ज़्यादा मतलब सर दर्द कर रहा था, अभी भी इस साइड मेरा पेन है। तो सुबह उठा, गैस का मेडिसिन खाया, 4-6 बिस्किट्स खा के मैंने जो मेरे को डॉक्टर ने मेडिसिन दिया वो खाया, और अभी मैं छत के ऊपर आई हूँ। थोड़ा सा फिर मैंने मेडिसिन लेके मैंने सो गई थी, सो के थोड़ी देर पहले उठा था, कोई नहीं मुझे जगाया कि उठो, क्योंकि सर दर्द होने से पता है घर को कि मेरा कितना होता है सर दर्द। सो अभी मैं दिखाती हूँ छत के ऊपर, मैं हम लोग चाय लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए छत के ऊपर हम लोग चाय लेके आए हैं, अभी चाय घुगनी, और ये यहाँ पे है दीदी गुड्डू, जो जो जंगल की तरफ देख रहे हैं, शायद खेती बाड़ी करेंगे जंगल में। हाँ सो ये दोनों का हमेशा रहता है ऐसे ही चिपके हुए। सो अभी देख रहे हैं खेती बाड़ी करेंगे शायद इधर, वो देख रहे हैं। एनीवेज तो अभी चाय का मैं लुत्फ़ उठाऊंगी, चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि सर इतना अभी भी दर्द कर रहा है, मेरे को मेडिसिन लेने के बाद भी दर्द कर रहा है, क्योंकि ठंडे के सीज़न में ना बहुत ज़्यादा, गर्मी में भी होता है ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाने से भी होता है, मतलब गजब है। ये देखिए शोमा की चाय बहुत टेस्टी बना है, थैंक यू शोमा। ये मेरा मतलब जैसे बोल रही है, सब्सक्राइबर सोचेंगे मैं ऐसे खींच के लाई हूँ, बोल मेरे चाय के बारे में, सच में ऐसा सोचेंगे, बहुत अच्छी। मैं ना दिख नहीं पा रही हूँ कि तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। हम लोग पूरा आ रहे हैं। बहुत टेस्टी चाय बना है और घुगनी बहुत ज्यादा अच्छा बना है, सच में घुगनी भी बहुत अच्छा बना है। और आज का ब्रेकफास्ट था रोटी और घुगनी था, चाय के साथ रोटी और घुगनी था। ये देखो गुड्डू चाय के साथ क्या खाती है, देखो मिर्ची चाय के साथ खाने के लिए आज से नया स्टार्ट किया ये वाला। देखने में भी ऐसी है मैं मिर्ची मतलब लोग सोचेंगे सच में, नहीं दोस्तों ये ऐसे ही मजाक के लिए बोला था, बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा ये सर। हम लोग चाय सब जैसे चाय पीते हैं वैसे ही, वे मिर्ची विर्ची देखिए हम लोग नहीं खाते। मज़ा लग रहा है अभी, थोड़ा सा मुझे आराम मिल रहा है, एक्चुअली सर दर्द होने से ना कुछ अच्छा नहीं लगता। नमस्ते दोस्तों, और मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने खाना नहीं खाया है अभी तक, क्यों हाँ मैं दीदी और जॉय एक साथ खाना खाएंगे, सो अभी पूरा भीगा हुआ है बाद, और आज थोड़ा सा कहीं जाना है मम्मी को लेके, तो उधर जाएंगे अभी, सो शायद मैं वो जगह शूट ना कर पाऊँ, ठीक है सो देख लेते हैं। आई थिंक 100% मैं वो जगह शूट नहीं करूँगी, थोड़ा सा पर्सनल रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल रीज़न है, दैट्स वाई। और तो अब अभी नहा के तो रेडी हूँ, जॉय भी आ चुका है, तो दीदी आने से हम लोग खाना खाएंगे, अभी टाइम हुआ है, देखिए कब का खाना, 9 बोले 4:15 हुआ है, देखो 4:15 30 जनवरी 2022। खाना खाएगा, भूख नहीं लगा है, उतना नहीं लगा क्योंकि रोटी खाया था ना, उतना नहीं लगा। दोस्तों आज का लंच है, ये है माछेर तेल,
माछेर तेल का ये जो बनाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पास में है साग है, ये देख सकते हैं साग, और ये सलाद है। तो माछ का तेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और जो शाक है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दोनों होने से मुझे माछ मछली कुछ भी नहीं चाहिए। दीदी हम लोग की को हिंदी में क्या बोलते हैं? आमला 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 आंवला 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 जो भी है, आंवला शायद सभी ये खा रहा है। एक्चुअली धूप रहने से खाने से ज़्यादा अच्छा है। स्किन के लिए, बाल के, बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पे ना खाया करो ये सब चीज़। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर कर दीजिएगा। मैं माँ को लेके एक जगह गई थी, मैं अभी वो बोल नहीं सकती ना, मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को परमिशन नहीं है। इसलिए मैं ना वो शूट किया ना ही कुछ। आप लोग कैसे हो? थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, सावधान रहिएगा, ठीक है? हाथ धोते रहिएगा। और हाथ धोना इन द सेंस करोना से वो नहीं, अपना हाइजीन भी है ना। हाथ धो के खाना ये सब हाइजीन में गिरता है। तो जो जो हाइजीन है वो सब मेंटेन कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों का हेल्प कीजिए, जितना हो सके उतना ही हेल्प कीजिए। और ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।